हेलो नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त प्रहलाद सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टेप फिल्म्स न्यूज़। दोस्तों आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों हनीप्रीत इंसान का नाम आते ही एक भयानक तस्वीर आंखों के सामने उमड़ने लगती है। वो तस्वीर है पंचकुला हिंसा की। याद आने लगता है वो डेरा सच्चा सौदा राम रहीम बाबा का। सिरसा की बात होने लगती है और बात होने लगती है हनीप्रीत की खूबसूरती की और हनीप्रीत की चालबाजी की और उन 30 से ज्यादा लोगों की बातें होने लगती है जिनको हनीप्रीत के इशारे पर पंचकुला हिंसा कराकर मौत के घाट उतार दिया गया। दोस्तों आज फिर से हनीप्रीत की हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में और बताने वाले हैं कि जो हनीप्रीत लगभग पिछले 5 महीनों से अंबाला की सेंट्रल जेल में न्यायिक हिरासत में बंद है और बार बार हनीप्रीत को पंचकुला कोर्ट में पेश किया जाता है, बार बार तारीख बढ़ा दी जाती है, उसके बाद अब वो वक्त आ चुका है जब हनीप्रीत के गुनाहों को खंगाल कर हनीप्रीत को सजा सुनाने का नंबर होगा। अब हनीप्रीत को क्या सजा मिलेगी और कब मिलेगी, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। हनीप्रीत को 28 मार्च को सजा होगी, 28 मार्च को गुनाहों के ऊपर बहस होगी और हनीप्रीत की जिंदगी का फैसला क्या जाएगा और हनीप्रीत को क्या सजा मिलेगी और क्या राम रहीम बाबा की तरह ही हनीप्रीत को आजीवन कारावास मिलेगा या कुछ और सजा, आज इसी बात पर हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। मगर पहले एक नजर डाल लेते हैं हनीप्रीत के उन गुनाहों पर जिस कारण से हनीप्रीत आज अंबाला की सेंट्रल जेल में बंद है और 6 मार्च को हनीप्रीत को पंचकुला कोर्ट में पेश किया गया और वहां पर क्या हुआ ये भी आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। आप इस वीडियो को पूरी देखते रहिए। दोस्तों हनीप्रीत राम रहीम बाबा की मुंह बोली बेटी सिरसा डेरा पर अपना पूर्ण हक जमाते हुए और राम रहीम बाबा की गतिविधियों में शामिल होने के कारण चर्चा में रही, मास्टरमाइंड रही पंचकुला हिंसा की। हनीप्रीत और आदित्य हिंसा के अध्यक्षता में 17 अगस्त को सिरसा के अंदर एक मीटिंग हुई थी जिसमें हनीप्रीत और अन्य सेवादार थे, अन्य भक्तजन थे जो हनीप्रीत और आदित्य हिंसा की अध्यक्षता में पंचकुला हिंसा कराने के जिम्मेदार है। चमकौर सिंह, आदित्य हिंसा, हनीप्रीत, विपासना सब उस मीटिंग में शामिल थी जिस मीटिंग में हनीप्रीत और आदित्य हिंसा की अध्यक्षता में पंचकुला हिंसा कराने का प्लान बनाया गया था। यदि राम रहीम बाबा को सजा हुई तो पंचकुला हिंसा होगी और यदि राम रहीम बाबा को सजा नहीं हुई तो एक बड़ी रैली निकाली जाएगी, इस तरह का प्लान था। मगर हुआ वही जिसका डर था, बाबा राम रहीम को सजा मिली और पंचकुला हिंसा हनीप्रीत के इशारे पर हो गई। आज भी आदित्य हिंसा पुलिस की पकड़ से दूर है। हनीप्रीत लगभग 5 महीनों से अंबाला की सेंट्रल जेल में बंद है क्योंकि हनीप्रीत के ऊपर दो ऐसे बड़े गुनाह है जो हनीप्रीत ने किए हैं। पहला गुनाह है हनीप्रीत के ऊपर देशद्रोह का। हनीप्रीत ने बाबा राम रहीम को सजा मिलने के बाद कस्टडी से भगाने की कोशिश की थी, नकली पासपोर्ट और उनको विदेश ले जाने का प्लान बनाया था और उसके बाद हनीप्रीत के ऊपर है पंचकुला हिंसा कराने का आरोप जिसमें 30 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। पंचकुला हिंसा हनीप्रीत के इशारे पर हुई थी और विकास कुमार गार्ड जो हरियाणा का हेड कांस्टेबल है उन्होंने तो सीधे तौर पर कहा है कि
पंचकुला हिंसा हनी प्रीत ने ही कराई थी, क्योंकि उस समय विकास कुमार वहीं पर मौजूद थे। उन्होंने चश्मदीद गवाह बनकर अपनी गवाही बयान दर्ज कराया और अन्य गवाह भी हनीप्रीत के खिलाफ खड़े हैं। इस बार 28 तारीख को हनीप्रीत के खिलाफ गवाही हो जाएगी और 28 मार्च को ही हनीप्रीत को सजा सुना दी जाएगी। सजा हनीप्रीत को उम्र कैद की भी हो सकती है और 10 वर्ष और जुर्माने की भी हो सकती है, क्योंकि देशद्रोह का मुकदमा बहुत बड़ा है, इसमें बहुत संगीन धाराएं लगती हैं, बहुत बड़ा गुनाह है दोनों ही। इस वजह से बाबा राम रहीम की तरह हनीप्रीत भी अब आजीवन कारावास भुगत सकती है। दोस्तों 28 मार्च को फिर से पंचकुला कोर्ट में पेश होना पड़ेगा और पंचकुला कोर्ट में इस बार कोई भी आरोपी नहीं जाएगा। पंचकुला कोर्ट में सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही सुनवाई होगी और सजा का ऐलान होगा। तो 28 मार्च का इंतजार करते हैं और देखते हैं कि हनीप्रीत को क्या सजा मिलेगी। आखिर हनीप्रीत के गुनाह इतने बड़े हैं कि हनीप्रीत के 5 महीनों से ज़्यादा न्यायिक हिरासत में हो चुका है, कोई फैसला नहीं आ रहा था। हनीप्रीत के लाख कोशिशों के बावजूद भी हनीप्रीत अपने आप को बेगुनाह साबित करने में असफल रही और हनीप्रीत ने लाखों ऐसे जतन किए जमानत पाने के लिए, मगर हनीप्रीत के खिलाफ इतने गवाह इतने सबूत हैं कि हनीप्रीत को जमानत नहीं मिल सकी। तो दोस्तों 28 मार्च को हम देखेंगे कि हनीप्रीत को आखिर क्या सज़ा मिलने वाली है। हनीप्रीत को उम्र कैद की सज़ा मिलेगी या 10 वर्ष और जुर्माने की सज़ा मिलेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो दोस्तों यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो नीचे लाल रंग का बटन आपकी वीडियो पर है, उसे आप क्लिक करें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच मेरी वीडियो देखने के लिए।